सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। शहर के बीचोंबीच स्थित बड़ा तालाब इन दिनों लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। सुबह और शाम में यहां घूमने वाले लोगों का तांता लगा रहता है। एक समय था कि इस तालाब के बगल से गुजरते वक्त लोग नाक पर रुमाल रख लेते थे, परंतु नगर निगम की पहल ने रंग लाया और अब तालाब में लोग सुबह शाम सैर सपाटा करने जा रहे हैं। हालांकि अभी भी तालाब का कार्य पूरा नहीं हुआ है, कार्य जारी है, परंतु अब शहर के बीचों बीच स्थित तालाब लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास भैया, आपका जो प्रश्न है उसका जवाब हम दे रहे हैं आपको। बड़ा तालाब का काम को श्री श्याम इंटरनेशनल प्राइजेज को दिया गया था, जिसका एग्रीमेंट वैल्यू 4,15,26,813 रुपये था। इसमें हम लोग 4 किस्त में पेमेंट किए हैं। पहला किस्त का पेमेंट है 46,37,109 रुपये का, दूसरा किस्त 59,77,910 रुपये का, तीसरा 1,27,29,986 रुपये का और चौथा किस्त 38,20,077 रुपये का। लगभग 2,71,00,000 समथिंग के लगभग पेमेंट किया गया है विभाग के द्वारा, और 4,15,30,966 रुपये का बजट है। इसमें एक एसटीपी जो हम लोग को लगाना है, लगभग 2,75,76,00,000 के लागत से जो तीसरे पाउंड में मशीन को बैठाया जाएगा और तीनों नालिया के पानी को फिल्टर करके तालाब में डाला जाएगा। अभी फिलहाल हम लोग उसमें जाली लगाए हुए हैं मशीन नहीं बैठने के कारण, तो अफवाहें उड़ती रहती है। और 2,71,00,000 हम लोग पेमेंट किए हैं। अभी फर्स्ट पॉन्ड को खोला गया है और उसमें सुबह के समय योगा करने आप देख सकते हैं कि माताएं बहनें बुजुर्ग सभी लोग जाते हैं। अधिकांश समय में आप 2018 से पहले एक भी नगर निगम में पार्क नहीं था। हम लोग जब चुनाव के निमित्त घूम रहे थे तो सभी लोग कहते थे कि यदि हम लोग रोड पर मॉर्निंग वॉक करते हैं, बच्चे स्केटिंग करते हैं, तो बराबर घटना दुर्घटना का सामना करना पड़ता था। जबकि थरी चौक पर भी घटना घटी थी, तो अभी जाकर के लोग सुबह शाम गांधी मैदान बड़े तालाब के फर्स्ट पॉन्ड में मॉर्निंग वॉक भी बहुत संख्या में लोग करते हैं। आप भी इसी शहर के रहने वाले हैं, आप भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आपका भी शहर में बहुत अच्छा योगदान रहा है सामाजिक कार्यों में, तो आप इसका निरीक्षण भी कर सकते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से एक लोगों से अपील करते हैं कि ये जो संपत्ति है वो सभी की संपत्ति है। और मरीन ड्राइव में कुछ दिन पहले ढेर सारी कुर्सियां को तोड़ दी गई थी और आपको गांधी मैदान में और बड़े तालाब में भी कुछ कुछ क्षतिग्रस्त हुए हैं। जो भी लोग वहाँ पर घूमने जाएँ तो इस प्रकार के लोग यदि वहाँ पर देखने को मिलते हैं तो उन्हें समझाएं कि जो संपत्ति है हमारी संपत्ति है, इसका संरक्षण करना भी हम लोगों का कर्तव्य है। बहुत जल्द ही सेकेंड और थर्ड पाउंड का कार्य समाप्त किया जाएगा। ठेकेदार को नोटिस जारी किया गया है, 3 नोटिस अभी तक जारी किया गया है और उनको दबाव बनाया जा रहा है विभाग के द्वारा, नगर निगम के द्वारा, हमारे बोर्ड के सम्मानित सभी पार्षदों के द्वारा, हमारे द्वारा, महापौर के द्वारा। तो हम निश्चित तौर पर बहुत जल्द ही उसका कार्य को समाप्त करेंगे और एसटीपी का सरलता के लिए भेजा गया है, उसका भी सरलता करने के बाद उसका भी टेंडर किया गया। एक सवाल और है कि जिस तरह के मालिक शहर में कोई काम होता है तो लगातार ये बात देखने को मिलता है कि लोग जो है उस काम को ब्रेकअप मतलब ब्रेक करने के चक्कर में रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत अधिकतर काम, जैसे अगर हम जिले की बात करें तो स्टेडियम का काम रुक गया, सब्जी मंडी का काम रुक गया, बहुत सारे ऐसे, तो ऐसे में मालिक की भी अगर ये बात आती है तो फिर आपका पहल क्या होगा? देखिए अभी फिलहाल हम लोग अपने बोर्ड के बैठक में एक जहाँ पुराना ब्लॉक चलता था वहाँ के माननीय 2 पार्षद माननीय प्रदीप अकेला जी और माननीय मनोज जी के द्वारा एक सुझाव आया था जो हम अपने एजेंडे में लाए हैं। उन लोग दोनों के अथक प्रयास से एनओसी भी लिया गया है, उसका कॉपी भी उन लोग दोनों उपलब्ध कराए हैं हम लोगों को,
एक स्टेडियम का प्रस्ताव वहां से भेजे हैं, पुलिस स्टेडियम का भी मतलब DPR तैयार हो गया है, स्मिथ भी सेंक्शन हो गया है, तो हम लोग अपना कार्य में लगे हुए हैं। बाकी विडम्बना तो आती जाती रहती है और हम लोग निश्चित तौर पर कार्य में सफल रहेंगे। हमारा कार्यकाल में क्योंकि वैश्विक कोरोना महामारी से भी हम लोग प्रभावित हुए हैं, वो तो पूरे विश्व में कोरोना महामारी था, लेकिन उसमें भी एक आत्मविश्वास के साथ 5 साल का जो सफर रहा है और अभी कुछ महीने बाकी हैं तो कुछ अच्छा देखने को मिलेगा आपको। एक अंतिम प्रश्न की दीनदयाल मार्ग खोलने की बातें आ रही है, आप लोगों ने शायद निर्णय भी लिया है, किस तरह के खोलेंगे? देखिए दीनदयाल मार्ग को अभी 4 फीट के लगभग खोला जाएगा जिसमें लोग आए जाए, और उसको बंद नहीं किया गया था, दीनदयाल मार्ग को बंद नहीं किया गया था, सुविधा के दृष्टिकोण से जब तालाब का काम हो रहा था तो सुविधा के दृष्टिकोण से उसको रखा गया था। और हमारे बोर्ड के द्वारा ब्रिज बनाने के लिए आदरणीय दीनदयाल जी के नाम पर प्रस्ताव भी पारित करके भेजा गया है सरकार को, और बहुत जल्द ही उसमें वो कार्य भी हम लोग कराने में सफल रहेंगे। लेकिन मतलब दीनदयाल मार्ग चालू हो जाएगा? हाँ, बहुत जल्द ही उसको चालू किया जाएगा पब्लिक को जाने आने के लिए। धन्यवाद।